तो आइए, कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपसगुन पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, असगुन कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज सीख करके जाइए। असगुन कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान देकर सुनिए। अगर हम कहीं घर से बाहर निकल कर जाते हैं तो असगुन कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान देकर सुनिए। अरे जगर चलता तहु मारग, अरे जगर चलता तहु मारग में, और रीते घड़ा जो पड़े दिखाई। याद रखिए सभी लोग, अगर घर से बाहर निकल कर जा रहे हो, मिट्टी का घड़ा अगर खाली दिख जाए तो समझ लेना ये भी एक अपशगुन है, तुम्हारे लिए रास्ता आगे क्लियर नहीं है। रुक जाइए कुछ देर के लिए और सुनिए। अरे डगर चला था मणिधारी मेले, मणिधारी। अच्छा, मणिधारी किसे कहते हैं, कितने लोग जानते हैं मणिधारी किसको कहते हैं? सांप को। अगर सामने से सर्प रास्ता काट देता है तो ये भी एक असगुन होता है। और सुनिए, अरे डगर चलता मणिधारी मेले, और रास्ता काटे बेर में बेलाई। अगर आपके सामने से बिल्ली रास्ता काट देती है तो ये भी एक अपशगुन होता है। थोड़ी देर रुक जाइए क्योंकि आगे हमारे लिए रास्ता खाली नहीं है। और सुनिए, अरे सूखी डाला कौआ बोले, अगर आप रास्ते से निकल कर जा रहे हैं और सूखी डाल पर कौआ अगर बोलता है तो ये भी एक अपशगुन होता है। अरे सूखी डाल कौआ बोले, और जीते स्वाना स्वयं लड़े जाई। अच्छा, स्वान, स्वान किसे कहते हैं, कोई बताओ, स्वान किसे कहते हैं? स्वान कहते हैं कुत्ते को। अगर रास्ते में कुत्ते कुत्ते आपस में भिड़ जाते हैं, झगड़ा करते हैं, तो समझ लो कि ये भी एक अपशगुन है, आगे कदम मत रखिएगा। और सुनिए, ये सबसे विलक्षण अपशगुन होता है। अरे सूखी डाला कौआ बोले, सूखी डाला कौआ बोले, और जीते स्वाना स्वयं लड़े जाई। और सुनिए, अब ये असगुन सबसे विलक्षण होता है, सबसे खतरनाक, कौन सा वाला? माताएं ध्यान देंगे। अरे घर से निकले जब कुमर चले, अगर आपका बेटा या आपका पति कहीं परदेश में नौकरी करने जाता है तो सभी माता ध्यान देंगे। अरे घर से निकले जब कुमर चले, तब पत्नी देवे नीर बहाई। सामने उसकी पत्नी रो जाती है तो याद रखना ये सबसे खतरनाक अपशगुन होता है, कभी भी अपने आंसू नहीं बहाना चाहिए। अरे घर से निकले जब कुमर चले, अरे घर से निकले जब कुमर चले, तब पत्नी देवे नीर बहाई। भगवान
भगवान की। तो कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपशगुन पर ध्यान देना चाहिए।